मामीज, कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग स्पेशली स्पेशली आप जैसे मामीज के लिए हैं, जिन मामीज को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम हमारे बच्चों के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सी रैश क्रीम यूज करूं, कौन सा डाइपर यूज करूं, कौन सा लोशन अच्छा है मेरे बच्चे के लिए, या कौन सा हेड टू टो वॉश यूज करूं, सोप्स बेटर है या वॉश। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज का ब्लॉग बना है। देंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हम बेबीज के लिए डेली यूज तो करते हैं बट हम कंफ्यूज भी रहते हैं कि अगर हमें उसमें कुछ एक चीज मिलती है तो हम बाकी चीजों के लिए कंफ्यूजन रहता है कि वो उसमें ये नहीं है ये नहीं है, अगर हमें कुछ और मिलता है तो पुरानी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो हम कुछ 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। इन 5 प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे कि हमें उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, और मैं उन प्रोडक्ट्स की बात करूंगी स्पेशली जो मैं मेरे बेबीज के लिए यूज करती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम पहला प्रोडक्ट लेके चलेंगे, वो है हमारा बेबी डाइपर्स। बेबी डाइपर्स में सबसे बड़ा इशू रहता है रैशेस, इरिटेशन, वेटनेस, लीकेज। ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें हर डाइपर में नहीं मिल पाती, बट नाउ आई हैव अ डाइपर। मैंने बहुत ब्रांड्स यूज करे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को यूज करने के बाद नाउ आई फाउंड दैट बेबी पैम्पर्स प्रीमियम इज द बेस्ट ब्रांड फॉर डाइपर्स। नो वन कैन बीट इट। बेबी पैम्पर्स प्रीमियम कुछ तो इस टाइप का दिखता है, नाउ यू कैन सी दिस। इसमें बेनिफिट क्या है, 360 डिग्री का सॉफ्टनेस है, 360 डिग्री सॉफ्टनेस है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो 100% लीक प्रूफ है, रैशेस फ्री है। इसमें 360 डिग्री का सॉफ्टनेस है। मैं आपको डाइपर दिखाती हूँ, डाइपर कुछ तो ये इस टाइप का डाइपर दिखता है, आप इसमें देख सकते हैं, ये ऐसा डाइपर दिखता है। इसमें आपको ये येल्लो लाइन दिख रहा है, जैसे ही आपके बेबी का डाइपर फिल हो जाएगा ये येलो लाइन कन्वर्ट हो जाएगी ब्लू लाइन में, तो आपका यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि आपके बेबी का डाइपर फिल हो चुका है, तो यू हैव टू चेंज। इट इज़ वेरी इजी टू डिस्पोज, यू जस्ट हैव टू फोल्ड इट। यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है, यू हैव टू टेक इट आउट एंड यू हैव टू डिस्पोज इट। दिस इज द वे यू कैन डिस्पोज द डाइपर। सेकेंड, इसमें छोटे छोटे माइक्रोफाइबर्स हैं, यू कैन से दिस। इसमें छोटे छोटे माइक्रोफाइबर्स हैं जिसकी वजह से आपके बेबी की जो स्किन है वो ब्रीदेबल है, इसीलिए उसमें वेटनेस नहीं रहता, ड्राई रहता है और स्किन इरिटेट भी नहीं करती। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बेबी रैश क्रीम। यस मॉमीज, रैश क्रीम, रैश क्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एज डाइपर्स, लोशंस एंड ऑल। हम सोचते हैं कि रैश क्रीम्स हमको तभी लगानी चाहिए जब हमारे बेबी को रैशेस होते हैं। नहीं मॉमीज, हमें हमारी बेबी रैश क्रीम्स जब भी हम डाइपर लगाते हैं हमें तब जरूर लगानी चाहिए। ये रैश क्रीम्स स्पेशली उन मम्मीज के लिए हैं जिनके बेबीज को रैशेस बहुत जल्दी होते हैं, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज, टीथिंग पीरियड में जिन बेबीज को रैशेस होते हैं उनके रैशेस को जल्दी आराम लगे, उसके लिए मेरे पास एक रैश क्रीम है एंड इट इज़ डाइपर रैश क्रीम फ्रॉम चीकू, चीकू बेबी मोमेंट रैश क्रीम। इसका बेनिफिट क्या है कि ये पैराबेन फ्री है एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। मैंने जब से इसको यूज़ करा, मेरे बेबी को टीथिंग पीरियड में रैशेज हुए थे तभी मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करे, उसके बाद आई फाउंड दैट चीकू हैज इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर ब्रांड। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस, यू कैन सी दिस। एंड ज़्यादा महंगी नहीं है ये, 349 की है। सो इट इज़ वेरी गुड डाइपर रैश क्रीम, एवरी टाइम वेन एवर यू चेंज द डाइपर यू कैन यूज इट। चलिए, तो थर्ड प्रोडक्ट इज बेबी वॉश। आई यूज बेबी हैड टू टो वॉश। मैं जो यूज करती हूँ वो मदर्स केयर का यूज करती हूँ। नाउ यू कैन सी दिस, मैं मदर्स केयर का यूज कर रही हूँ। ये बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है, तो कोई भी इसको यूज कर सकता है एंड टीयर फ्री है, सबसे बड़ी बात, डर्मा टेस्टेड है, ये हेड टू टो है, सो यू डोंट हैव टू यूज यू नो अनदर शैम्पू, यू कैन यूज इट ऑन हेड ऑल्सो। एंड इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 299, इट इज़ नॉट कॉस्टली, इट कॉस्ट ओनली 299, सो यू कैन यूज इट। ये सुटेबल फ्रॉम बर्थ है, इट इज़ रिटन दैट इट इज़ सुटेबल फ्रॉम बर्थ एंड हाइपो एलर्जिक, तो आप न्यूबॉर्न बेबीज को भी इसको ईजिली यूज कर सकते हैं। तो यू मस्ट ट्राई दिस, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो फॉर्मी है, अच्छा खासा फॉर्म बनाता है, तो यू कैन यूज। मैं मदर्स केयर के साथ साथ कभी कभी बेबी हक का मिल्की केयर भी यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक है, वो भी फॉमी है एंड यस उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं स्विच करती रहती हूँ कभी। तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, मदर्स केयर का भी अच्छा है और बेबी हल्का मिल्की वॉश भी अच्छा है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ट्राई एनी।
Now we come to our fourth product, that is body lotion. बॉडी लोशन को चूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई केमिकल बेस्ड है या वो प्लांट बेस्ड है. अब केमिकल बेस्ड क्यों? केमिकल बेस्ड होगा तो छोटे बच्चे जो होते हैं, खासकर न्यू बॉर्न बेबीज या बेबीज बिलो 1.5, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी उंगलियां, मतलब फिंगर्स, या अपने हाथों को या अपने कोई बॉडी पार्ट को अपने मुंह में डालते हैं. अगर वो केमिकल बेस्ड होगा तो उनके बॉडी के थ्रू उनके उनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है. इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो प्लांट बेस्ड हो. तो मैं जो अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ वो मदर स्पर्श का प्लांट बेस्ड बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ. यू कैन सी दिस मदर स्पर्श प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. इसमें क्या है आपको मैं दिखा दूँ कि इसमें स्पेशली मैंशनड है कि विद शिया बटर एंड ओट मिल एक्सट्रैक्ट. इसमें क्लियरली मैंशनड है कि ये केमिकल्स बेस्ड नहीं है, ये प्लांट बेस्ड है. एंड यहाँ पीछे भी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे एक कोट लिखा है, वी मेड अ प्रोमिसेस दैट द मोमेंट वी नेम्ड अ ब्रांड द मदर स्पर्श इवॉल्व विद द प्योरिटी ऑफ लव एंड पावर ऑफ नेचर. दे हैव क्लियरली मैंशन. और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सारे प्लांट बेस्ड. तो यू कैन यूज़, इसमें बहुत छोटा सा ही अमाउंट आपको यूज़ करना है. मैं अपनी बेबी को यूज़ करती हूँ तो इसमें बहुत कम अमाउंट में आपके बेबी को यूज़ करना है. स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है. बहुत फ्रेश फील होता है इसको लगाने पे. मैंने खुद भी लगाया तो ये काफ़ी फ्रेश फील होता है. एंड सेकेंड, इसमें क्या है कि ये मॉइस्चराइज भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा आपकी डेलिकेट स्किन. अगर बेबी को 0+ मंथ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो यस, न्यूबॉर्न मामीज आप अपने बेबीज को इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सेफ. इसका MRP रेट तो 700 है, बट यस, अगर आप इसको फर्स्ट प्राइस से लेंगे या आई डोंट नो, ये मे बी अमेजोन पे भी अवेलेबल है, वहां से लेते हैं, या अगर आप इसको अमेजोन से भी लेते हैं तो यस, आपको रिजनेबल रेंज में मिल जाएगा. काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल जाता है. मुझे भी शायद ही 50% ऑफ में मैंने फर्स्ट प्राइस से लिया था. तो यू कैन ट्राई, अगर अभी आपको क्या ऑफर मिलता है तो यू कैन यूज दिस. एंड इट इज़ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट, यू मस्ट ट्राई दिस. वी विल गो टू नेक्स्ट. नाउ अवर फिफ्थ एंड लास्ट प्रोडक्ट इज सनस्क्रीन. यस मामीज, सनस्क्रीन. आप ये सोच रहे होंगे कि सनस्क्रीन अभी से इतने छोटे बच्चे के लिए? तो यस मामीज, सनस्क्रीन इतने छोटे बच्चों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हम लोगों के लिए, हम एडल्ट्स के लिए जरूरी होती है. यूवी रेज हार्मफुल होती हैं जो हमारी बेबीज की स्किन को भी उतना ही हार्म करती हैं जितना हमारी बॉडी को करती हैं. वैसे तो आप कोशिश कीजिए डायरेक्ट सनलाइट में उनको ना ही लेके जाएं. अगर आप, मतलब सनी डे है, काफ़ी गर्मी होती है अगर आपके एरियाज में, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अम्ब्रेला या फिर कुछ भी कैनोपी वगैरह उसके लिए यूज़ करें. अगर नहीं तो प्लीज़ जाने से पहले सनस्क्रीन का यूज़ करना ना भूलें. मैं जो सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वो SPF 50 UVA सेटाफिल की यूज़ करती हूँ. ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. पैराबेन फ्री है, हाइपोएलर्जिक है, नॉन कोमेडियोजेनिक है, प्रेगनेंस फ्री. वाओ, इट्स प्रेगनेंस फ्री. तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. आप इसकी बॉडी, फेस दोनों पे यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल. एंड सबसे बड़ी बात, इसमें विटामिन ई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत लाइट वेट है, नो स्टिकीनेस. तो यू मस्ट ट्राई दिस. इसके साथ मैं इसका रेंज बताती हूँ. इट लिटिल बिट कॉस्टली. ये 1080 रुपीज की है, बट यस, ये काफ़ी अच्छी है. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. 50 ml है, 1050 की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो हमने हमारे पांचों प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली है. तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या यही सब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. इफ़ यस तो आपको ये कैसे लगे, इफ नो तो प्लीज़ इनको एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा. तो मैं बता देती हूँ, मैंने पहला प्रोडक्ट था बेबी डायपर्स जो कि पैम्पर्स प्रीमियम. हमारा दूसरा प्रोडक्ट था पीचीको का डायपर रैश क्रीम. हमारा थर्ड प्रोडक्ट था हेड टू टो मदर स्पर्श का. और हमारा फोर्थ प्रोडक्ट था मदर स्पर्श का बेबी लोशन. और फिफ्थ प्रोडक्ट था हमारा सनस्क्रीन. तो आपको ये 5 के 5 प्रोडक्ट्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा. थैंक यू. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.